यहाँ तो वो बैठेंगे बेटा जिन्होंने निकाह पढ़ाना है। आपके अलावा और कौन निकाह पढ़ाएगा? अभी पता चल जाएगा। मुस्तजाबुद्दीन अहमद, वाकिफ तो होंगे आप लोग इनसे, लेकिन इनका नया जो तारुफ है वो शायद ना हो आपसे। इस इलाके की तामीर और तरक्की का सारा काम इन्होंने अपने शानों पर उठा रखा है। बच्चों के लिए मदरसा बड़ा, स्कूल के लिए जमीन, बच्चों के लिए वजाइफ, बस अपनी जिंदगी इसी कामों में वक्फ कर दी इन्होंने। हर वक्त हर लम्हा दीन की खिदमत करते रहते हैं। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। आओ बेटा। इमाम साहब इजाजत है। बिस्मिल्लाह करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकरीबन साले में आपका निकाह दुआ साहिबा के साथ करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप जितने भी हैं उसमें से किसी शख्स को इस बात पे कोई एतराज नहीं होगा। जब इमाम साहब ने आपको इजाजत दे दी है तो हम में से किसी को कोई एतराज नहीं। दुआ, तुम्हें कोई एतराज है? मुझे एतराज है। मैं ये निकाह आपसे नहीं पढ़वाना चाहता। ये निकाह इमाम साहब ही पढ़ेंगे और आप इमाम साहब की नशिस्त पर बैठे हैं, बराए मेहरबानी ये नशिस्त खाली कर दीजिए। ये आपका निकाह है और सब कुछ आपकी मर्जी और आपकी रजामंदी से होना चाहिए।
यहां बैठो। इस जगह के अहल सिर्फ तुम हो, इधर बैठने का हक सिर्फ तुम्हें। क्योंकि अगर दुआ के दिल पर तुम्हारा हक है तो उसकी जिंदगी पर भी तो तुम्हारा ही हक होना चाहिए ना।